लोग कहते हैं प्यार के नाम से डर लगता है, लेकिन मेरे को तो साला इसके ऊपर चढ़कर ही डर लग रहा है। देख सकते हैं आपकी। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं सलमान टी जो काफ़ी फेमस है भुज में, तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और आपको लेके चलते हैं हमारे सलमान टी के चाय के पास। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर भुज जो अपना ब्लॉग बनाने के लिए स्पेशल भुज आए हैं यहाँ पर हमारे नलिया से 100 किलोमीटर जो पड़ता है, जो काफ़ी दूर है, और हम आए हैं यहाँ पर भुज ब्लॉग बनाने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए। और चलो शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। तो दोस्तों तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों आज हम कहाँ हैं घूमने के लिए, गाँव का आपको पता होगा नाम क्या है, और अब हम कहाँ चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं सलमान टी जो काफ़ी फेमस है भुज में, तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और आप लेके चलते हैं हमारे सलमान टी के चाय के पास। तो पहुँचा है हम सलमान टी के पास में, तो आपको दिखाते हैं, जुड़े रहिएगा। तो फाइनली हमने चाय पी लिया सलमान टी जो काफ़ी फेमस है भुज में। तो दोस्तों हमने भुज में किया है बहुत सारा इंजॉय और हमको लगी थी थोड़ी भूख, तो रोटी खाने के लिए जाते हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमने खा लिया है होटल से खाना है, तो काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट भी, तो यार उसमें गए रेस्टोरेंट में और हमको दिखा दिया और पूछा भी नहीं कि क्या चाहिए आपको, ऐसे ही गुजराती थाली लगा दी खा कर चले आए। लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और हमें भी अपनी मोहब्बत दिखाई नहीं दिया। आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ब्लॉग बनाते हैं जो इसकी शर्म आती है या कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो यार, दिमाग से अपने निकाल दो डर क्या चीज़ है। और यही तुम अपने दिमाग में डर ही ले फिरोगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे यार, डर को छोड़ दो और इन्जॉय द लाइफ एंड एवरी मोमेंट। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर हिल गार्डन घूमने के लिए। काफ़ी शानदार पैलेस है जो भुज में प्रख्यात है, आ चुके हैं हम, आप देख सकते हैं। तो ये ऊंट है जो काफ़ी पुराना है लेकिन थोड़ा वीक है, इसलिए चल नहीं सकता क्योंकि अभी बंद है। तो दोस्तों हमको मन तो कर रहा था यहाँ पर ऊंट की सवारी करने का, लेकिन उस लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ऊंट का टायर का जो है ना, ऊंट के पैर का टायर वो पंचर हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहा हूँ ये टायर आप देख रहे हैं ना, ये पंचर हो गया है इसलिए नहीं चल सकती। जो काफ़ी शानदार है वो आप देख सकते हैं, झूला वगैरह सब है, लेकिन हमको तो इसमें जाना था पर क्या करें यार, ये बंद है अभी, इसलिए चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि ऊँट कितने प्यारे हैं, पर ये पुराने हो चुके हैं इसलिए अब इनसे चलना नहीं पाता है, तो इसको बैठा दिया है अपनी जगह पे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी शानदार है, और जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊँट के टायरों से पंचर निकल गया है, अब काफ़ी शानदार तरीके से चल रहे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ऊँट मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये साला क्या कर रहा है। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और ये काफ़ी शानदार पैलेस है जो हम यहाँ पर भूल गए हैं स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए, ठीक है।
ऐसे तो घूमने लोग बहुत आते हैं, लेकिन हम लोग मना नहीं किया है। लोग काम करके आते हैं या ना कोई स्टडी होता है या कॉलेज वगैरह जो भी होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम तो स्पेशलिस्ट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आए हैं लोग बनाने के लिए। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल हमारा जो हमने डाकू ब्लॉग के नाम से है जो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ऊपर आती रहे। कैसा लगा हमारा ये, वो आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड जो काफ़ी ऊपर चढ़ गया है, वो भी ब्लॉग बना रहा है, सुखी ब्लॉग्स करके नाम है इसका, इसको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ये भी बेचारा मेहनत कर रहा है। ठीक है, दोस्तों ये काफ़ी ऊपर है, लेकिन हम इसके ऊपर चढ़ के आपको नज़ारा दिखाते हैं इन गार्डन का, तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में। देख सकते हो आप कितना प्यारा, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। लोग कहते हैं प्यार के नाम से डर लगता है, लेकिन मेरे को तो साला इसके ऊपर चढ़कर ही डर लग रहा है। देख सकते हैं आप दोस्तों, देख सकते हैं आप ऊपर से कितना व्यू अच्छा आ रहा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि जो ट्रेन है जो काफ़ी शानदार है, और ये अभी खाती है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन है जो वगैरह बच्चे लोग हैं जो आज कम आया है, तो वो ट्रेन अच्छी तरह से चलते हैं। आपका इसका चलने का भी अलग ही रुतबा होता है जो वो दिखा देते, तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में और हम आपको ऐसी ही चीज़ें। तो हेलो दोस्तों, आज हमने यहाँ पर हिल गार्डन आके बहुत सारा मज़ा किया है, और आप भी आना अपनी ज़िंदगी में हिल गार्डन, क्योंकि इधर आना और मुस्कुराना और बहारों का मज़ा लेना काफ़ी बढ़िया रहता है। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, 10 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। हमने रियल में तो कभी ट्रेन पर बैठे नहीं हैं, इसलिए हमारे हिल गार्डन में जो ट्रेन है जो काफ़ी शानदार है आप देख सकते हैं, इसमें मज़ा लेते हैं हम। और जो शौक होता है, शौक तो आदमी को जब भी पूरा करना हो जिस तरह जिस जगह वो तो कर सकता है ना, ना तो हम फ्लाइट में बैठे हैं, इसलिए हमारे लिए यही ट्रेन बेस्ट है। तो बाय बाय हिल गार्डन, हम आए तो हमको मज़ा आया, बहुत सारा व्लॉग उतारा और फुल इंटरटेनमेंट मौज किया हमने। तो अब चलते हैं हमारे घर पर, जो यहाँ पर हमारे से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ पर दूर से नदिया जो, तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग में।